एक घंटा चर्चा करते हैं अन्य चीजों का, तो जब उनकी उनका भाषण वासन खत्म होता है तो इंटरपर्सनल जो बातचीत होती है उस बातचीत में वो साफ साफ कहते हैं कि ये मुद्दा जो है इसको ध्यान में रखिएगा तब वोट कीजिएगा, ये मुद्दा जो है इसको ध्यान में रखिएगा तब वोट कीजिएगा। तो जिस प्रकार से अमेरिका में महामारी एक साइलेंट मुद्दा बना हुआ था, साइलेंट नहीं बल्कि वह तो बहुत तेजी से यह मुद्दा बना हुआ था, उसी प्रकार से दिशा और सुशांत का मुद्दा बहुत साइलेंट बना हुआ है और बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे पॉकेट में यह मुद्दा बहुत गंभीर है। दिमाग ये लग रहा है, इसलिए बॉलीवुड के लोग, सलमान खान उसके गैंग के लोग चुपके चुपके वो भी मीटिंग कर रहे हैं उलेमाओं से, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर से, उनको समझाने में लगे हुए हैं कि नहीं, जहां जहां उद्धव ठाकरे के लोग हैं उनको अभी वोट कीजिए। लेकिन मुसलमान वहां पहले से ही नाराज बैठे हैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, और वो उनको समझ में आ गई है उद्धव ठाकरे का असली चरित्र, तो मुसलमान उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन सलमान खान और उसका जो गैंग है वो इस पूरे चुनाव में अंदरूनी तरीके से एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, आप उसे मत मानिए। वो बैठकें ले रहे हैं, चुप चुप करके बैठकें ले रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को चुनो, इसकी सरकार आ जाएगी तो बचने की कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, इस सरकार में तो पता नहीं क्या होगा। अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का अलग धमकी आ रहा है। लेकिन इसमें असली खेल जो है वो परमबीर अपने हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्टिव किए हुए है कि ये मुद्दा जो है कम से कम जो है महायुति के समर्थन में चले जाए, क्योंकि अगर इनकी सरकार आएगी तो ये हमें इम्प्लीकेट करेंगे। परमबीर अभी खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो भी अपने हिसाब से जितनी कोशिश, ये सारे फैक्टर्स महाराष्ट्र के चुनाव में चल रहे हैं और दबी जुबान में कैंपेन हो रहे हैं। परमबीर के तो शब्द ही भारतीय जनता पार्टी में है, तो महाराष्ट्र में परमबीर सिंह भी एक्टिव है, उनके समधी भी एक्टिव हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आ गई तो मुझे परेशान किया जा सकता है, इसलिए अंदर खाने परमबीर सिंह की जितनी कोटरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। वो कितना सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर अभी नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल लिया है तो, और बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं है और उनको लगता है अकेले नरेंद्र मोदी चुनाव जिता देंगे। अभी योगी की धुआंधार रैली हो रही है, योगी की साख बहुत मजबूत है महाराष्ट्र में, तो योगी को बहुत बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि योगी और मोदी कोई बड़ा काम कर पाएंगे महाराष्ट्र में, और लेकिन अंदर अंदर वो जो बड़े मुद्दे जो है, बटोगे तो कटोगे, ये सारे मुद्दे तो हैं ही हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही है, रिजर्वेशन का मुद्दा है, मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा है, ओबीसी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट वेव चल रहा है किस चीज का वेव चल रहा है, दिशा और सुशांत के जो कोई भी हत्यारे हैं जिसके टेन्योर में ये घटना घटी थी उसके खिलाफ मतदान करने का। अब ये जो वोटर है इसकी संख्या कितनी है, संख्या बहुत बड़ी नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये वोटर उन वोटरों से जाकर के अलाइन कर जाते हैं जिनका कोई और बाकी मुद्दों पर इनके खिलाफ मन बन रहा है। जैसे कोई ऐसा वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और महाविकास अघाड़ी में के खिलाफ वोट करना चाहता है, उसको अगर जाकर के धीरे से आहिस्ता इस मुद्दे को रख दिया जाता है तो वो और डेडिकेट हो रहा है। इन सारे मुद्दों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, ये छोटे मुद्दे नहीं है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि दिशा और सुशांत का मुद्दा निश्चित रूप से महाराष्ट्र में एक चुनावी मुद्दा है और शिवसेना उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप मान के चले। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी मैं अजित पवार का मैं आपको वीडियो बाइट सुनाना चाहता हूं। अजित पवार का वीडियो बाइट रेडी है? हाँ, अजित पवार का वीडियो बाइट सुनिए, ये देखिए किस प्रकार की निर्लज्जता इस प्रकार के नेता करते हैं, क्योंकि ये सत्ता में शामिल थे और मैंने आपको बताया इनका लिंक
परमवीर सिंह से क्या था और परमवीर सिंह किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में सांगोपांग इन्वॉल्व है, इसलिए इस तरह के नेता का ये बयान आता है, जरा सुनिए। नेता की इंक्वायरी तो सीबीआई ने की, उसमें आया कि उन्होंने खुदकुशी की। जो आप बोल रहे हैं उस लड़की के बारे में भी उन्होंने खुदकुशी की, ऐसा ही आया है। फिर उसके खुद के लड़की के पिताजी और माता, वो दोनों भी उन मेरे ख्याल से वहाँ थे, उनको बुलाया था जो पंचनामा हो उसके बारे में, और उन्होंने भी स्टेटमेंट निकाला है कि मेरी हमारी लड़की गई है, अभी उनका पॉलिटिक्स नहीं किया जाए, किसी ने बार बार उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, और हमारे लड़की के बारे में किसी ने कुछ स्टेटमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने मेरे ख्याल से राष्ट्रपति को भी निवेदन दिया, मीडिया को भी निवेदन दिया, और सब लोगों को उन्होंने आह्वान भी किया है कि ऐसा करो। देख लिया आपने स्टेटमेंट, ये अजित पवार का स्टेटमेंट है। ब्रॉड डे लाइट में ये व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई ने इंक्वायरी किया और सीबीआई ने कहा कि सुसाइड है, और इस तरह के व्यक्ति आपके समाज में कैंपेन कर रहे हैं। सीबीआई का इंक्वायरी अभी कंक्लूड नहीं हुआ है और इनके साथ खड़े रहने वालों की एक पूरी कतार है, इन्हें बहुत अच्छा नेता कहने वालों की बहुत पूरी कतार है, जो अजित पवार को कहते हैं कि बड़ा बहुत ही संगठन का आदमी है, बड़ा शानदार नेता है, इनके तारीफ में पता नहीं प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। ये व्यक्ति सरेआम झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है, और ये सार्वजनिक जीवन में है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस प्रकार के व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, भ्रष्टाचार के सिंबल हैं ये व्यक्ति। अभी देखिए पुणे में जो हिट एंड रन केस हुआ, उसमें भी इस व्यक्ति ने भूमिका अपनी निभाई और ब्लड का सैंपल तक बदलवा दिया डॉक्टर को कह करके, उनकी मां का ब्लड लगवा दिया, बेटा नशे में था उसका सैंपल बदलवा दिया। तो ये खाली तिकड़म करके इन लोगों ने पैसे बनाए हैं, भ्रष्टाचार करके पैसे बनाए हैं, लूटा है एक प्रकार से आपके और हमारे पैसे को, और हमारे आपके पैसे लूट करके ये इज्जतदार बना हुआ है, और इस प्रकार के व्यक्ति को आप इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार इस प्रकार के व्यक्ति को इज्जत दे रहा है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को समाज में एक्सपोज कीजिए, वैसे परिवार को एक्सपोज कीजिए, ऐसे बेईमान और भ्रष्ट परिवार को एक्सपोज कीजिए जो इस तरह के व्यक्ति के साथ अपना संबंध रखता हो, इस तरह के व्यक्ति के साथ रिश्ता रखता हो। खुलेआम कैमरा पे आके ये व्यक्ति कह रहा है कि सीबीआई ने इंक्वायरी कर ली, सुशांत के बारे में तो सीबीआई ने कह दिया कि सुसाइड है। उस दिशा सालियान की माता पिता के बारे में ये व्यक्ति कह रहे हैं, माता पिता के बारे में, अजित दादा पवार इनको कहा जाता है। इस तरह के भ्रष्टाचारियों को जब तक आप समाज में महिमा मंडित करते रहेंगे, आपके समाज में ऐसे ही नेता पनपते रहेंगे, और इसी प्रकार की पूरी न्याय प्रणाली आपको मिलती रहेगी, इसी प्रकार के भ्रष्टाचार से चारों तरफ आप मिलते रहेंगे, कभी जाति के नाम पर। और इनके जाति के लोग चाहे ये कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर दें, लेकिन इनके जाति के लोग सोच रहे हैं कि इनको वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके खिलाफ सारे लोग पड़ गए हैं, और वही हुआ, इनकी पत्नी खड़ी थी बाराबती में, क्या हालत हुई। खैर, वो तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ रहे थे। सुप्रिया सुले को आधार पुनावाला ने कहा था कि आप मेरे बिहाफ में आप ये क्वेश्चन कीजिए, किनसे क्वेश्चन कीजिए, पार्लियामेंट में, कि वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। हजारों करोड़ रुपया मिला शरद पवार के परिवार को, और ये पूरी दुनिया जानती है। ये अजित पवार आकर के इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्यों बयान दे रहे हैं, इनको सुपारी मिली है, इनको फायदा मिलता है उद्धव ठाकरे से। जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये अपना सारा धंधा चलाते थे। ये है उद्धव ठाकरे की टीम और ये है अजित पवार की टीम, और ऐसे भ्रष्ट लोग जो हैं वहां राजनीति में हैं, और इनके समर्थन में कमाल है बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन कॉमन लाइन